प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने धनबाद से नियुक्त किए गए लोगों को संबोधित भी किया। वहीं धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में आए शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में आए सांसद पीएन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए नियमित भर्तियां निकाल रही है। यह कार्यक्रम नियुक्ति पत्र देने के लिए रखा गया था, यह चौथा कार्यक्रम है जिसमें आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं बागमारा विधायक ढोलू महतो ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के साथ न्याय करती है, अपने वादे के तहत भर्तियां निकालकर उस पर रोजगार देने का काम करेगी। फर्स्ट टाइम उन्होंने 75 स्थानों में 75,000 युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे, उसके बाद क्रमशः करते आज 71,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया जा रहा है। विभिन्न राज्य के विभिन्न स्थानों में लगभग 45 पूरे देश के अंदर 45 राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विभिन्न विभाग में भारत सरकार के अंतर्गत जो विभाग है उसके माध्यम से बच्चों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लोगों को रोजगार से, युवाओं को रोजगार से जोड़े और जो युवा वर्ग है उससे हम कैसे बेहतर काम करा सकते हैं, तो हर एक क्षेत्र में। और इसके साथ ही साथ शिक्षा की बात, निश्चित रूप से 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का प्रावधान है और हम मैकाले मॉडल, अभी तक जो रटंत शिक्षा पे हमारे बच्चे थे, अब बच्चों को समझकर हमारे बच्चे पढ़े इसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में, मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई हो इस पर इसका प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही साथ शिक्षा को स्कूल और स्किल को साथ जोड़ा गया है कि बच्चों के अंदर जो हुनर है, क्लास 6 से ही बच्चों को हम स्किल का वोकेशनल कोर्स के लिए भी उनको उसकी शिक्षा देंगे ताकि बच्चों के हुनर को भी आगे किया जाए, पढ़ाई कमाई साथ साथ हो। और इसी तरह से बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। टेंथ के बाद से जो स्ट्रीम की खांचेबंदी थी उसको दूर किया गया है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स को लेके हमारे बच्चे कंफ्यूज होते थे तो ये समाप्त किया गया है, बच्चे अपने पसंद के सब्जेक्ट लेंगे वो पढ़ेंगे। जब ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारे चेंज हैं, एक साल की पढ़ाई करने के बाद परीक्षा पास करते हैं तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, किसी कारणवश अगर वो एक साल के बाद वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 3 साल बाद फिर अगर उसे लगता है कि हमें ग्रेजुएशन पूरा करना है तो वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो ये बदलाव हुआ है। जो अंग्रेजी माध्यम इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो एक बाध्यता थी उसको ख़त्म किया गया है, अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई होगी ताकि हमारे गांव के बच्चे, उन्हें कहीं परेशानी ना हो, कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम के वजह से गांव के जो टैलेंटेड बच्चे थे वो कहीं पीछे रह जाते थे, लेकिन अब आने वाले समय में शिक्षा नीति में ये प्रावधान है कि उसमें उन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है, उसमें लोगों का पूरे देश के अंदर लाखों लोगों का इसमें सुझाव को समावेश किया गया है और ये एक बहुत ही अच्छी ये शिक्षा नीति है। इसके माध्यम से हमें आने वाले समय में, क्योंकि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है, संवर्धित